ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के बारे में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं। मेरे पास लोग आते हैं, वो आके कहते हैं कि जी ये जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन है ये तो हो ही नहीं सकती, इतने आराम से कैसे हो जाती है। कोई कहता है जी मैंने, मेरे दोस्त है उन्होंने PhD की हुई है उनकी नहीं हो सकी। कोई कहता है जी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मास्टर्स डिग्री MS किया हुआ MPhil किया हुआ है उनकी नहीं हो सकती, तो ये इतने आराम से कैसे हो जाती है, इट इज टू गुड टू बी ट्रू। तो मैं वैसे तो आपके साथ सक्सेस स्टोरीज जो है वो शेयर करते ही रहते हैं ऑफ एंड ऑन डिफरेंट किस्म की, कि ऑस्ट्रेलियन ड्रीम जो है इट इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी, और हम उन सक्सेस स्टोरीज को शेयर करने का पर्पस यही होता है कि हम आपको बता सकें कि भाई ये इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलियन ड्रीम जो है इट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट इट इज हैपनिंग एज वेल, और ये अगर एक बंदे के साथ हो सकता है तो ये दूसरे के साथ भी हो सकता है। और ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है, अगर वो आप पॉइंट्स पूरे करते हैं तो आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। आज मेरे साथ इसी तरह की एक सक्सेस स्टोरी है, सिद्रा नाज है मेरे साथ। इनका हमने स्पेशली इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का पर्पज ये है कि एक तो इनका एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए, और दूसरा ये बता सके, क्योंकि जिस फील्ड में ये जा रही है उसमें बहुत कम लोग आते हैं जो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, क्योंकि शायद उन्हें ये लगता है कि हमारी फील्ड में जो है वो आप बाहर नहीं जा सकते, उसके एरिया में लोग स्पेशली स्टडी पर्पज के लिए जाते हैं और फिर एक बहुत लंबा राउट गुजारते हैं और उसके बाद जो है इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो इमिग्रेशन आपकी डायरेक्ट भी अप्लाई हो सकती है। तो सिद्रा थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक तो ये कि आप अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दें, दूसरा ये कि व्हाई इट इज ऑस्ट्रेलियन ड्रीम, क्यों आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रही हैं, आपकी एस्पिरेशंस क्या थी, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स। थैंक यू सो मच रिजवान। आई वुड लाइक टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन के व्हाई ऑस्ट्रेलिया। टू बी ऑनेस्ट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ही माइंड में नहीं था, मेरे माइंड में कनाडा नहीं था, लेकिन एक पैशन होता है। मैंने जब अपना साइकोलॉजी चूज किया तो मेरा पैशन था कि आई वांट टू वर्क एज अ साइकोलॉजिस्ट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग एज अ साइकोलॉजिस्ट। और उसमें फिर ये पैशन भी था कि मैं आई नीड टू ग्रो इन दिस फील्ड, और मैंने फिर PhD करनी है, और PhD मैंने पाकिस्तान से नहीं करनी, बाहर किसी कंट्री से करनी है। तो फिर PhD के लिए मैंने बहुत अप्लाई किया, सुपरवाइजर देख लो, ये कर लो, वो यूनिवर्सिटी देख लो, देन गॉट टू नो कि अच्छा ठीक है देयर इज अ PR, ठीक है कि आप PR के थ्रू जा सकती हैं और कर सकती हैं। और फिर समडे आई वाज सर्चिंग एंड केम आउट अबाउट योर प्रोफाइल इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स, अच्छा कहाँ इस्लामाबाद में ये है ये सब ठीक है, ओके लेट्स गो एंड सी अबाउट इट। उससे पहले ये था कि मैंने यहाँ आने से पहले भी अपना कुछ अपना जो एक रिसर्च होता है वो मैंने कर लिया था कि अच्छा व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स, मुझे क्या चाहिए, मेरी असेसमेंट क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, इसके बाद और फिर मैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स आपके पास मेरा आना हुआ, एंड देन वी हैड दैट मीटिंग एंड आई वाज लाइक wonderful experience you can say. Yes, in the very first meeting when you made sure कि नहीं सिद्धरा आपका तो हो जाएगा, ये तो बस हो गया, समझे हो गया, so yes that's how I landed in Australia. तो अल्हम्दुलिल्लाह सिद्रा को जी सब क्लास 189 which is independent immigration which means you land in Australia and go wherever you want to. मैं अभी इस recording से पहले मैं इनसे discuss कर रहा था कि how much time it took. तो सिद्रा को 491 सब क्लास में भी इनवाइट मिला, फिर 190 में इनवाइट मिला, हमने दोनों को जो है वो नहीं अवेल किया, एंड वी वर वेटिंग फॉर के अच्छा चूंकि साइकोलॉजिस्ट में वो बहुत डिमांड में है और 65 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो सब क्लास 189 में साइकोलॉजिस्ट में वो पिक हो रहे हैं, तो वो दिसंबर 2022 वाला राउंड रन हुआ जिसमें 35,000 लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने पिक कर लिए, और उसमें जो है वो सिद्रा का नाम भी आ गया, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी में वीजा अप्लाई किया एंड बाय अगस्त शी गॉट द वीजा। सो सिद्रा थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। जब आप वहां पर होंगी तो कोशिश करेंगे कि आपको वहां से हम क्योंकि मैं लोगों से कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अबाउट मनी, ऑस्ट्रेलिया इज अबाउट लाइफ स्टाइल। पैसा तो ऑस्ट्रेलिया में शायद जो कैब ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर जो है जो उबर चलाता है वो भी बहुत अच्छे पैसे कमाता है, और मतलब इन सर्टन केसेस मुझे लोग देख क्या है कि आप ये ना करें कि वो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, बहुत सारे लोगों से अच्छे पैसे कमा जाते हैं, क्योंकि अगर उसकी गाड़ी अपनी है तो फिर बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा होता है, मतलब $6,000-$8,000 तो वो निकाल ही लेगा डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, तो और फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जब दिल किया उबर किया ऑन की और मतलब राइड के लिए निकल गए। मुझे मैंने एक दफा उबर बुक की थी सिडनी में, तो जो गाड़ी आई मुझे लेने के लिए वो मर्सिडीज थी, और द गाय हु वाज ड्राइविंग द कार, मैंने ऐसे उससे पूछा कोई एशियन लग रहा था, तो मैंने उससे कहा यार ये तो कोई
इंडियन पाकिस्तानी टाइप को बंदा लग रहा है। तो द गाय वाज फ्रॉम इंडिया, तो उससे फिर मेरी उर्दू में गपशप हो गई। उसने मुझे कहा कि कैन यू स्पीक हिंदी, मैंने कहा वो यार जिसको आप हिंदी कहते हैं उसको हम उर्दू कहते हैं, सो विद फ्यू वर्ड्स चेंज होते हैं तो बाकी सारा सेम रहता है। देन द गाय सेड आई एम आईटी मैनेजर विद अ कंपनी, और मैं चूंकि सिंगल हूँ ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ तो मेरे पास कोई और करने को नहीं होता, तो आई थॉट के ऐसे ही 3-4 घंटे जो मिलते हैं तो मुझे देखे आज आप मिल गए, आपकी एक स्टोरी है, फिर मुझे यहाँ डिफरेंट जो लोग मिलते हैं उनकी कोई स्टोरी होती है, और मैं स्पेशली वो राइड बुक करता हूँ जिसमें कोई इंडिया या पाकिस्तानी टाइप चेहरा मुझे नजर आ जाए या उस तरह का नाम मिल जाए तो मैं उस राइड को बुक कर लेता हूँ। जैसे ठीक है इस राइड को बुक कर लेते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया इज अबाउट लाइफ स्टाइल, इट इज नॉट अबाउट मनी। द गाय जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आईटी मैनेजर था, देन ही वाज रनिंग कैब, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जिनको हम यहाँ पे जो वो काम लोग कर रहे होते हैं हमें लगता है कि यार ये क्या कर रहा है बंदा, लेकिन वहाँ पर उन ऑक्यूपेशन में आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। वी वर डिस्कसिंग प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, मेसन का, ये लोग हैं ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में, शीयर शॉर्टेज है। सो कोशिश करेंगे आप वंस यू आर देयर इन ऑस्ट्रेलिया तो आपसे जरा वहाँ से भी पता चले कि आपका वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन ड्रीम था वंस यू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया फिर उसका क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर